टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। कोरोना से छिड़ी जंग में पुलिस और प्रशासन पूरी ताकत झोंके हुए है। कोरोना को हराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम अपने परिवार की चिंता किए बगैर रातों दिन सड़कों पर ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर्स, मीडिया कर्मी और सफाई कर्मी भी पूरी शिद्दत से कोरोना को हराने में जुटे हैं। रातों दिन सेवा देकर कोरोना की चेन तोड़ने का प्रयास कर रहे लोगों की हौसला अफजाई के लिए सिकंदराबाद में मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों ने सड़क पर ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों से लेकर सफाई कर्मियों को न सिर्फ मास्क और सैनिटाइजर दिए बल्कि हैंडवॉश भी वितरित किए। हमारा इसमें ये उद्देश्य है, जो हमारे आज हमारे बीच में पूरी दुनिया के अंदर जो ये कोरोना वायरस का एक कहर पूरी दुनिया में कायम हो रहा है, जिससे हजारों मौतें हो रही हैं, लाखों लोग परेशान हैं, इंसानियत शर्मसार हो रही है, दहशत में है, उसी कोरोना वायरस की लड़ाई में हमारा जो प्रशासन है मुस्तैदी से काम कर रहा है, वो चाहे वो सफाई कर्मचारी है जो नालियों की सफाई कर रहा है, और हमारे थाने के पुलिस कर्मी हैं, हमारे सिपाही हैं, बॉर्डरों पे हैं, दरोगा हैं, हमारे इंस्पेक्टर हैं जो इस काम को में मेहनत से लगे हुए हैं, हमारे सीओ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, जिला प्रशासन है। तो आज हमारा उद्देश्य यह है कि जो फील्ड में और पत्रकार बंधु भी हैं जो इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं, हम उनकी हौसला अफजाई के लिए हमारी और हमारी टीम, हमारे बड़े भाई इमरान पहलवान सरफराज और हमारे और वॉलंटियर साहित्य मुली मुईद, हमारा भतीजा आमिर हमारे साथ में आज ये हम कभी पूरी थाने को सम्मानित किया है हमने, थाने के कर्मचारी को, इंस्पेक्टर साहब को, दरोगा जी को और बॉर्डरों पे जो दीगर हमारे लोग लगे हुए हैं उनको, पत्रकार बंधुओं को हैंड वॉश और मास्क इसके लिए दिए हैं, जिससे कि एक लोगों में जागरूकता आए, इनका मनोबल बढ़े और ये समाज में बढ़ चढ़ कर इस लड़ाई को लड़ें और ये ना समझें कि ये अकेले हैं, हम इनके साथ हरदम खड़े हैं, क्योंकि जब ये लोग हमारी सुरक्षा कर रहे हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि इंसानियत की बात रखते हुए कि इनका दुख सुख में हर तरह से ख्याल रखते हैं। और हमारी टीम ये वादा करती है कि जहाँ जहाँ जिला प्रशासन हमें बुलाएगा हम इनकी हर तरह से मदद, हर तरह से तन मन धन से इनके साथ हैं। एडवोकेट अनीस गाजी ने बताया कि वो और उनके साथी कोरोना की इस जंग में भाग लेने वाले हर योद्धा की सलामती की दुआ करते हैं, जबकि इस बुरे वक्त में कोई भी योद्धा खुद को अकेला ना समझे, इस बुरे दौर में हर भारतीय उनके साथ खड़ा है। टीम ने थाने से लेकर एसडीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस से लेकर नगर पालिका और पालिका से लेकर मीडिया कर्मियों के ऑफिस तक मास्क, सैनिटाइजर और हैंड वॉश पहुंचाए। इस दौरान सरफराज गाजी, इमरान गाजी, मुईद मुइन समेत कई लोग शामिल रहे। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शाकिर मलिक, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।